देखिए आप लोगों को मैं एक बात ये बता दूं कि प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं कहूँगा ये बात, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा तो आपका जो है ना स्टडी भी अच्छा नहीं होगा, राइट। अच्छा जी, नाउ द सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है ना। सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम होम जो है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर फिलिंग, यूबी फिलिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूबी फिलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिनरी ब्लैडर फिल हम क्यों करते हैं, वाई टू फिल द यूरिन ब्लैडर। अगेन सवाल वही आ गया जैसे वहां था ना कि वाई टू फिल द गॉल ब्लैडर, तो यहां भी वही सवाल आ गया कि वाई टू फिल द यूरिनरी ब्लैडर। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो डायग्राम को समझ लीजिएगा तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सबाइटल सेक्शन। सबाइटल सेक्शन कहते हैं जब आप बॉडी को आरी से दो टुकड़े में काटो और इस टुकड़े को हटा करके आप साइड से देख रहे हो, तो दिस इज द सबाइटल सेक्शन। ठीक है, ये तो चेस्ट हो गया, रिब्स हो गए, ये अम्लाइकस नाप हो गया, ये पेरिनियल रीजन हो गया। बॉडी को जैसे मैं बहुत दफ़ा समझाया कि बॉडी को आपने जो है ना तीन हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया, थॉरेक्स एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो इसी तरीके से थॉरेक्स एब्डोमेन एंड पेल्विस जो है इसके दरमियान अगर तीन हिस्से में आपने डिवाइड किया है तो इन तीनों के दरमियान कोई दीवार तो होनी चाहिए ना, कोई पार्टीशन वॉल तो होनी चाहिए ना। तो थॉरेक्स और एब्डोमेन के दरमियान जो पार्टीशन वॉल है वो एक थिक डायफ्राम है, काफ़ी रफ है, टफ है बहुत, ठीक है, स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है उसके अंदर इतनी ज़्यादा, तो डायफ्राम है। और उसके बाद जो एब्डोमेन और पेल्विक विसरा के दरमियान जो एक दीवार है वो एक पतली सी झिल्ली है, ठीक है ना, दे तो वेरी वेरी लूज लूज शीट जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियम जो है इसी के अंदर जो है ना इसे इंटेस्टाइनल लूप्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, राइट। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद थोड़ा सा पेल्विक रीजन में आओ तो इन फीमेल पेल्विस देयर आर थ्री ओपनिंग इन द पेरिनियम। पेरिनियम कहते हैं दो टांगों के नीचे की जो हिस्सा है, बीच पे दो रानों के दरमियान का हिस्सा, देयर इज अ पेरिनियम। तो पहला ओपनिंग जो है इट इज कंटिन्यूस विद द यूरिनरी ब्लैडर, ये मसाले के साथ जाके खुलता है, ठीक है, दैट इज द विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटिन्यूएशन है इसकी। उसके बाद जो और इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के पीछे जो ओपनिंग है दैट इज द विजाइनल ओपनिंग। विजाइना इज कंटिन्यूस विद द यूट्रस, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है ये। और उसके पीछे जो नेक्स्ट ओपनिंग है, विजाइना के पीछे जो ओपनिंग है दैट इज द एनस, स्टूल की जगह, तो इट इज कंटिन्यूस विद द एलिमेंट्री कैनाल। तो आगे से पीछे ब्लैडर, यूट्रस एंड देन द रेक्टम, ये तीनों आगे से पीछे इस तरीके से है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर अगर भरा हुआ है, ये जैसे फिल्ड, दिस इज द फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर अगर भरा हुआ है तो ये जो है ये जो इंटेस्टाइनल लूप्स वगैरह है इन सबको जो है ना ये ऊपर की तरफ धकेल के रखता है, ऊपर की तरफ धकेल देता है फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर, राइट। और फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर जब जब यूरिन पास कर ले पेशेंट तो क्या हो जाता है, जब यूरिन ब्लैडर अगर खाली हो जाता है तो ये जो जगह विकेट होता है, जो जगह खाली हो जाता है, तो इस जगह को इंटेस्टाइनल लूप जो है ना नीचे ढलक करके कवर कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, बिकॉज वो एक तो लूज शॉपर के अंदर है ना, वो जगह को पुल करने के लिए ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाते हैं। और इंटेस्टाइनल लूप के अंदर क्या है, गैसेस हैं, तो इंटेस्टाइनल लूप के अंदर गैसेस हैं एंड गैसेस आर द बैड कंडक्टर, द बैड कंडक्टर फॉर अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड वेव जो है यहाँ से जब आप प्रोब रखते हो तो इस प्रोब में से ये आगे को नहीं जा सकते, तो आपको पीछे यूट्रस वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आता, आई बात समझ में। अब
जब नजर नहीं आता फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी बात है, आप बोलो भाई ब्लैडर फुल करो, तो पेशेंट जब बहुत सारा पानी पिएगा और पिएगी पेशेंट आपकी, तो उसके बाद पानी पीने की वजह से क्या होगा कि ब्लैडर जो है वो फुल हो जाएगा। तो यूरिन ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो दिस फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर इट एक्ट्स एज अ विंडो, ये खिड़की का काम करता है, एंड थ्रू दिस विंडो यू कैन इजीली सी द एंटायर म्यूकस एंड एवरीथिंग, राइट। तो आपको ये पूरा का पूरा जो है आपको यूट्रस एंड ओवरी वगैरह सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। और तो यही वजह है कि हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर आप फिल करो। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं? एनी क्वेश्चन? किसी का भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूँ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बता दूँ आप लोगों को। कोई सवाल हो तो डू आस्क द क्वेश्चन। आज वो लैपटॉप मुझसे ज़्यादा दूर है काफ़ी, सॉरी। आप लोग जो टेक्स्ट करके सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, वेरी सॉरी, मैं जवाब दूंगा क्योंकि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, राइट। आप लोग अपना हैंड रेस करें, हम आपको यहाँ से ओके करेंगे, तो फिर आप जो है क्वेश्चन आपको जो भी करना है क्वेश्चन। यस,